हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल्सिंग मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैलसिंग ये टू थाउजेंड फोर की एक्शन गोथिक हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट ये स्टीफेन सोमैर्स और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमैर्स और ये मूवी बेस्ड है ड्रैक्यूला जो कि ब्रैम स्टोकर फ्रेंकन की मैरी सेली पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफेन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग है हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकनसेल रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड हैम विल कैम केम केविन जो जे ओ कॉनर सुलर हैं और इस मूवी का सिनेटोग्राफिक किए हैं एलन है डेव्यू और इस मूवी को एडिट किए हैं बॉब ड्यूक ड्यूक से कैली मैटमूटो और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टेरी और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी सोमर्स कंपनी स्टिलकिंग फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजे क्रिप, सी जेज सीजेज रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड फ्रेंड्स वन हंड्रेड सिक्सटी डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बक्स ऑफ इसकाशन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई यूज जैक एज अ जेबिर वैन हेल्सिंग के रोल में नजर आए और कैट बैग सेल एज अनी वेलेरियस के रोल में नज़र आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाइल ड्रैकुला के रोल में डेविड वैनहम एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनसली एज अ फ्रेंकस्टें मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनोर एज अगरोगोर के रोल में विल केम्प एज अ वेल्कन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज अ एलिरा के रोल में एलोन आर्मस्टोंग एज अ कैडिनल जिनेटी के रोल में सिल्विया कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फिशर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकनस्टाइन के रोल में स्टीफन फिशर एज अ डॉक्टर जीकाइल के रोल में रॉबी कोलट्रेन एज द वॉइस ऑफ मिस्टर हाइडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हेल मूवी की साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हाल इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिलवे सिल्वेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी मूवी के स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूं और कई बार मैं बताता भी नहीं हूं इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है 1887 में ट्रांसवालिया ट्रांस वेलिनिया डॉक्टर विक्टर फ्रेंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रेकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है ड्रेकुला फ्रेंकस्टीन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रैंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवन चक्की में भाग जाता है पीर पनक पवन चक्की को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रही है एक साल बाद राक्षस शिकारी वैन हेल्सिंग नेट्रोडेम भी पेरिस की यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है हैक है एक झगड़े के बाद हेल्सिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है जिसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा के सीढ़ियों पर रंग रंगते रंग, हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के वेटिकन वीटी, सिटी मुख्यालय में हेल्सिंग को ट्रांससिलिवेनिया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज रेकुला को मार देंगे या पगट्रेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अं, अंतरा और वैलिंकन रैंकुला द्वारा नियंत्रित एक वे, को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरे नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको प्रोडक्ट कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल्सिंग कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मारसिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मारिसिका को मारते हैं उस रात वक्न ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेयरवोल्फ वेर में बदल बद बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेल्किन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टीन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेल्किन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों की जीवन देने के लिए फ्रैकेस्टीन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैल ये 2004 की एक्शन गोथिक हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट ये स्टीफन सोमर्स और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमर्स और यह मूवी बेस्ड है ड्रैकुला जो कि ब्रैम स्टोकर फ्रैंकेंस्टाइन की मैरी सेली पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक दुक से और इस मूवी के स्टारिंग है हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकन सेल रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड वैन हैम, विल कैम केम केविन जो जे ओ कॉनर सुलर हैं और इस मूवी को सिनेटोग्राफिक किए हैं एलन डेव्यू और इस मूवी को एडिट किए हैं बॉब ड्यूक ड्यूक से कैली मेट और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टरी और इस मूवी को प्रोडक्शन कमिया सोमर्स कंपनी स्टिल स्टिलकिंग फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक सी, सीजे, सीजे, सीजे रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड से डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफ इसकाशन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जेबरल वैन हेल्सिंग के रोल में नज़र आए और कैट बैंग सेल एज एनी वैलेरियस के रोल में नज़र आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाइल्डेसोलोस ड्रैकुला के रोल में डेविड वैन एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनली एज अ फ्रेंकस्टेंस मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनर एज अगरो इगोर के रोल में विल कैम्प एज अ विलकन विल्कन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज अलीरा के रोल में एलोन आर्मस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जी के रोल में सिल्विया कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फीसर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकनस्टाइन के रोल में स्टीफन फीसर एज अ डॉक्टर जिकाइल के रोल में रॉबी कोलेट्रेन एज वॉइस ऑफ मिस्टर हाइडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हेल मूवी की साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हाल इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिल्वे सिल्वेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी मूवी के स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूँ और कई बार मैं बताता भी नहीं हूँ तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन एट्टी सेवन में ट्रांस ट्रांसवेलिया वेलनिया डॉक्टर विक्टर फ्रैंकस्टीन फ्रैंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है ड्रैकुला फ्रैंकस्टीन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रैंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवन चक्की में भाग जाता है भीड़ पनक पवन चक्की को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रही है एक साल बाद राक्षस शिकारी वैन हेल्सिंग नेट्रोडेम भी पेरिस की यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है हैक है एक झगड़े के बाद हेल्सिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है जिसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा के सीढ़ियों पर रंग रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के विटिक विटिकन सिटी मुख्यालय में हेल्सिंग ट्रांस को ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया, लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज ड्रैंकुला को मार देंगे या पगट्रेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अंतरा और वे लेंकन ड्रैंकुला द्वारा नियंत्रित एक वेयर वै, वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरे नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मार्सिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मार्सिका को मारते हैं उस रात वेलिंगटन ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेरे वेयरवोल्फ में बदल बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेलकिन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टीन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेलकिन को एक नाली के रूप नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों की जीवन देने के लिए फ्रैंकस्टीन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और आप हमारे वीडियोस को भी देखते रहे आप हमारे वीडियोस में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैलसिंग ये टू की एक्शन गोथिक हॉर फिल्म है जिसे डायरेक्ट ये स्टीफन सोमैर्स और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमैर्स और ये मूवी बेस्ड है ड्रैकुला जो कि ब्रैम स्टोकर फ्रेंक आ, आ, की मैरी पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफेन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग हैं हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकनसेल रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड हैम विल कैम केम केविन जो जे ओ कॉनर सुलर हैं और इस मूवी को सिनेटोग्राफिक किए हैं एलन डेव्यू और इस मूवी को एडिट किए बॉब ड्यूक ड्यूक से कैली मेट और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टरी और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है सोमर्स कंपनी स्टिलकिंग फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक सी जेज सीजेज रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड फ्रेंड्स वन हंड्रेड सिक्सटी डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जैबराल वैन हेल्सिंग के रोल में नजर आए और कैट बैंग सेल एज एनी वैलेरियस के रोल में नज़र आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाइल डेसोलोस के रोल में डेविड वैनहम एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनसली एज अ फ्रेंकस्टेंट मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनोर एज अगरो के रोल में विल कैम्प एज अ विल्कन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज अ एलिरा के रोल में एलुन आर्मस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जिनेटी के रोल में सिल्विया कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फिसर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकनस्टाइन के रोल में स्टीफेन फिसर एज अ डॉक्टर जिकायल के रोल में रॉबी कोलट्रेन एज दी वॉइस ऑफ मिस्टर हाईडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हाल मूवी की साउंड ट्रैक एडिटर्स के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हाल इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिलवे सिलवेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी मूवी का स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूँ और कई बार मैं बताता भी नहीं हूं। तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चले फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन एट्टी सेवन में ट्रांस, ट्रांस वेलिया वेलिन वेलिनिया डॉक्टर विक्टर फ्रेंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है ड्रैकुल्ला फ्रैंकस्टिन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रैंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवन चक्की में भाग जाता है पीर पनक पवन चक्की को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रहे हैं एक साल बाद राक्षस शिकारी वैन हेलसिंग नेट्रोडेम भी पेरिस की यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है हैक है एक झगड़े के बाद हेल्सिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है जिसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग, रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के विटिक विटिकन सिटी मुख्यालय में हेल्सिंग को ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज रेकुला को मार देंगे या पगट्रेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अं, अंतरा और वैलिंकन रैंकुला द्वारा नियंत्रित एक वे वेयर वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरे नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको ये बड़ा कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल्सिंग कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मारसिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मारिसिका को मारते हैं उस रात वेलिंग का ड्रेकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेयर वेर वेयरवुल्फ में बदल बद, बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेलकिन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टीन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेलकिन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों के जीवन देने के लिए फ्रैकस्टिन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैल ये 2004 की एक्शन गोथिक हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट ये स्टीफन सोमैर्स और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमैर्स और ये मूवी बेस्ड है ड्रैकुला जो कि ब्रैम स्टोकर फ्रैंकेंस्टाइन की मैरी सेली पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफ़न सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग है हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकेंसेल रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड वनहैम विल कैम केम केविन जो जे ओ कॉनोर सुलर हैं और इस मूवी को सीनेटोग्राफिक किए हैं एलन डेव्यू और इस मूवी को एडिट किए हैं बॉब ड्यूक ड्यूक से कैली मैटमूटो और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टरी और इस मूवी को प्रोडक्शन कम सोमर्स कंपनी स्टिल स्टिलकिंग फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक सी जेज सीजेज रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड से डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जेबराल वैन हेल्सिंग के रोल में नजर आए और कैट बैंक सेल एज एनी वैलेरियस के रोल में नज़र और आज आज में। आज 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 आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाइल डेसस के रोल में डेविड वैन एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनस्लि एज अ फ्रेंकस्टेंस मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनोर एज अगो इगोर के रोल में विल कैम्प एज अ विलकन विल्कन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज अ एलिरा के रोल में एलुन एर्मस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जी के रोल में सिल्विया को, कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फीसर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकनस्टाइन के रोल में स्टीफन फीसर एज अ डॉक्टर जिकाइल के रोल में रॉबी कोलेट्रेन एज द वॉइस ऑफ मिस्टर हाइडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हालसिंग मूवी की साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हालसिंग इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिल्वे सिल्वेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी मूवी के स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूं और कई बार मैं बताता भी नहीं हूं तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन एट्टी में ट्रांस ट्रांसवेलिया ट्रांस वेलनिया डॉक्टर विक्टर फ्रैंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है ड्रैकुला फ्रैकस्टीन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रैंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवन चक्की में भाग जाता है भीड़ पवन चक्की को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रही है एक साल बाद राक्षस सिकारी वैन नेट्रो डेम भी पेरिस का यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है है हैक एक झगड़े के बाद पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है जिसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के विटिक विटिकन सिटी मुख्यालय में हेलसिंग ट्रांस को ट्रांसिलवेनिया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया, लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज डैकुला को मार देंगे या पगट्रेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अंतरा और वे लेंकन ड्रैंकुला द्वारा नियंत्रित एक वे वै, वेयर वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरी नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल सिंह कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मार्सिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मार्सिका को मारते हैं उससे रात वेलिंग ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेरे वेयरवल्फ में बदल बद बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेलकिन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टिन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेलकिन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों की जीवन देने के लिए फ्रैकेस्टिन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और आप हमारे वीडियोस को भी देखते रहे आप हमारे वीडियोस में बने रहे हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल्सिंग मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैल ये टू की एक्शन गोथिक हॉर फिल्म है जिसे डायरेक्ट ये स्टीफन सोमैर्स और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमैर्स और ये मूवी बेस्ड है ड्रैक्यूला जो कि ब्रैम स्टोकर फ्रेंटाइन आ, आ, की मैरी पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग है हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकनसेल रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड हैम विल कैम केम केविन जो जे ओ कॉनर सुलर हैं और इस मूवी को सिनेटोग्राफिक किए हैं एलन डेव्यू और इस मूवी को एडिट किया बॉब ड्यूक ड्यूक से कैली मेट और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टेरी और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी सामर्स कंपनी स्टिल स्टिलकिंग फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक सी, सीजेजे सीजेज रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड वन हंड्रेड सिक्सटी डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स अब इसका लेक्शन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जेबिर वैन हेल्सिंग के रोल में नजर आए और कैट बैंग सेल एज एनी वैलेरियस के रोल में नज़र आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाले ड्रैकुला के रोल में डेविड वैनहम एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनसली एज अ फ्रेंकस्टेंट मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनोर एज अग्रो के रोल में विल कैम्प एज अ विल्कन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज अ एलिरा के रोल में एलन आर्मस्टोंग एज अ कैडिनल जिनेटी के रोल में सिल्विया कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फिशर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकनस्टाइन के रोल में स्टीफन फिशर एज अ डॉक्टर जिकायल के रोल में रॉबी कोलेट्रेन एज दी वॉइस ऑफ मिस्टर हाईडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हेल मूवी की साउंड ट्रैक एडिट्रेस के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हेल इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिलवे सिलवेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी मूवी का स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूँ और कई बार मैं बताता भी नहीं हूँ तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन एट्टी सेवन में ट्रांस ट्रांसवेलियालिया डॉक्टर विक्टर फ्रेंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है फ्रेंकस्टीन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रेंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवनचक्की में भाग जाता है भीड़ पनक को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रही है एक साल बाद राक्षस सिकारी वैन हैल्सिंग नेट्रो डेम भी पेरिस का यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है, हैक है एक झगड़े के बाद हेल्सिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है जिसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग, रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के विटिक वीटी, विटिकन सिटी मुख्यालय में हेल्सिंग को ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज रेकुला को मार देंगे या पगट्रेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अं, अंतरा और वैलिंकन रैंकुला द्वारा नियंत्रित एक वे वेयर वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरे नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको ये डॉक्टर कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मारसिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मारिसिका को मारते हैं उस रात वेलिंग वेलिंगटन ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेरे वेयर वोल्फ में बदल बद, बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेलकिन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टीन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेलकिन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों की जीवन देने के लिए फ्रैकेस्टीन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैलसिंह ये 2004 की एक्शन गोथिक हॉरर फिल्म है डायरेक्ट ये स्टीफेन सोमेस और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमर्स और ये मूवी बेस्ट है ड्रैकुला जो कि ब्रैम स्टोकर आ, आ, की मैरी सेली पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग है हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकनसेल रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड वनहैम विल कैम केम कैन जो जे ओ कॉनोर सुलर हैं और इस मूवी का सिनेटोग्राफिक तो किए हैं एलन डेव्यू और इस मूवी को एडिट किए बॉब ड्यू ड्यूक से कैली मेट और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिलवेस्टरी और इस मूवी के प्रोडक्शन कमिया सोमर्स कंपनी स्टिल स्टिलकिंग फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजे सी जेज सीजेज रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड सेन हंड्रेड सिक्सटी डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफ इसकाशन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जेबराल वैन हेल्सिंग के रोल में नजर आए और कैट बैंग सेल अ एनी वैलेरियस के रोल में नज़र आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाइल डे के रोल में डेविड वैन एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनस्लि एज अ फ्रेंकस्टेंस मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनोर एज अगो इगोर के रोल में विल कैम्प एज अ विलकन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज अ एलिरा के रोल में एलोन एनस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जिनेटी के रोल में सिल्विया कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फिशर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकन के रोल में स्टीफन फिशर एज अ डॉक्टर जिकायल के रोल में रॉबी कोलेट्रेन एज द वॉइस ऑफ मिस्टर हाइडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हालसिंग मूवी की साउंड ट्रैक एडिटर्स के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हालसिंग इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिलवे सिल्वेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी मूवी के स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूं और कई बार मैं बताता भी नहीं हूं तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन में ट्रांस ट्रांसवेलिया ट्रांस वेलनिया डॉक्टर विक्टर फ्रैंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है ड्रैकुला फ्रैकस्टीन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रैंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवन चक्की में भाग जाता है पीड़ पवन चक्की को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रही है एक साल बाद राक्षस सिकारी वैन हेल्सिंग नेट्रो डेम भी पेरिस का यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है है हैक एक झगड़े के बाद हेल्सिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है इसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के विटिक सिटी मुख्यालय में हेलसिंग ट्रांस को ट्रांसिलेविया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज डेंकुला को मार देंगे या पगटेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अंतरा और वे लेंकन ड्रैंकुला द्वारा नियंत्रित एक वेयर वै, वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरे नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको डॉक्टर कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल सिंह कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मारसिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मार्सिका को मारते हैं उससे रात वेलिंग ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेरे वेयरवल्फ में बदल बद, बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेलकिन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टिन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेलकिन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों के जीवन देने के लिए फ्रैकस्टिन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और, और इससे वूडो में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैल ये 2004 की एक्शन गोथिक हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट ये स्टीफन सोमर्स और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमर्स और यह मूवी बेस्ड है ड्रैकुला जो कि ब्रैम स्टोकर फ्रैंक की मैरी सेली पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग है हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकन रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड विल जो जे ओ कॉनर सुलर से और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी तो किए हैं एलन डेव्यू और इस मूवी को एडिट किए हैं बॉब ड्यूक ड्यूक से कैली मेट और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टरी और इस मूवी के प्रोडक्शन है सोमर्स कंपनी स्टिल स्टिलकिंग फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक रिपब्लिक सी, सीजे, सीजे, की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड से डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफ इसकाशन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जेबरल वैन हेल्सिंग के रोल में नज़र आए और कैट बैंग सेल एज एनी वैलेरियस के रोल में नज़र आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाइल्डेसोलोस ड्रैकुला के रोल में डेविड वैन एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनस्लि एज अ फ्रेंकस्ट मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनर एज अगर इगोर के रोल में विल कैम्प एज अ विलकन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज अ एलिरा के रोल में एलुन आर्मस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जी के रोल में सिल्विया कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फिशर एज अ टॉप हैट के रोल में सैम्यूअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकनस्टाइन के रोल में स्टीफन फिशर एज अ डॉक्टर जिकाइल के रोल में रॉबी कोलेट्रेन एज द वॉइस ऑफ मिस्टर हाईडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हालसिंग मूवी की साउंड ट्रैक एडिटर्स के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हालसिंग इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिल्वेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी मूवी का स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूँ और कई बार मैं बताता भी नहीं हूँ तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन एट्टी सेवन में ट्रांस ट्रांसवेलिया वेलनिया डॉक्टर विक्टर फ्रेंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है ड्रैकुला फ्रैंकस्टिन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रैंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवनचक्की में भाग जाता है भीड़ पनक पवनचक्की को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रहे है एक साल बाद राक्षस शिकारी वैन हेल्सिंग नेट्रोडेम भी पेरिस का यात्रा करता है मिस्टर हाइडा को मारता है हैक है एक झगड़े के बाद हेल्सिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है जिसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के वीटिक विटेकन सिटी मुख्यालय में हेलसिंको ट्रांससिलवेनिया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमानीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज रेकुला को मार देंगे या पट्रेरी में अंत ल बिताएंगे ट्रांसलेवियन में अंतरा और द्वारा नियंत्रित एक वेयर को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह के साथ एक गहरे नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हैल कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गाँव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैंकुला के दुल्हनों वेरुना मारसिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मारिसिका को मारते हैं उससे रात वेलिंग ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेरे वेयरवोल्फ में बदल बद बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेल्किन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टिन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेल्किन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों की जीवन देने के लिए फ्रैंकस्टिन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और आप हमारे वीडियोस को भी देखते रहे आप हमारे वीडियोस में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैलसिंग ये टू की एक्शन गोथिक हॉर फिल्म है जिसे डायरेक्ट ये स्टीफन सोमैर्स और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमैर्स और ये मूवी बेस्ड है ड्रैकुला जो कि ब्रैम स्टोकर फ्रेंक आ, आ, की मैरी पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफेन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग हैं हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकनसेल रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड हैम विल कैम केम केविन जो जे ओ कॉनर सोलर हैं और इस मूवी को सिनेटोग्राफिक तो किए हैं एलन डेव्यू और इस मूवी को एडिट किए बॉब ड्यू ड्यूक से कैली मेट और इस मूवी को, को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टरी और इस मूवी को प्रोडक्शन है सोमर्स कंपनी स्टिल स्टिलकिंग फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक सी जेज सीजेज रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड फ्रेंड्स वन हंड्रेड सिक्सटी डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफ इसकाशन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हुँ हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जेबिर वैन हेल्सिंग के रोल में नजर आए और कैट बैंग सेल एज एनी वैलेरियस के रोल में नजर आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाल्डेसोलोस डेसोलोस के रोल में डेविड वैनहम एज अ कैरल के रोल में सुलरी है एज अ फ्रेंकस्टेंट मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनोर एज अगो के रोल में विल कैम्प एज अ विल्कन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज अ एलिरा के रोल में एलुन आर्मस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जी के रोल में सिल्विया कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एज़ अ मार्सिका के रोल में टॉम फिसर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकनस्टाइन के रोल में स्टीफेन फिसर एज अ डॉक्टर जिकायल के रोल में रॉबी कोलट्रेन एज दी वॉइस ऑफ मिस्टर हाइडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हेल मूवी की साउंड ट्रैक एडिटर्स के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हेल इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिलवे सिलवेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी मूवी का स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूँ और कई बार मैं बताता भी नहीं हूं। तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन में सेवन में डॉक्टर विक्टर फ्रेंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है ड्रैकुला फ्रैंकस्टिन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रैंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवन चक्की में भाग जाता है पीढ़ पनक पवन चक्की को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रहे हैं एक साल बाद राक्षस शिकारी वैन हेलसिंग नेट्रोडेम डी पेरिस की यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है हैक है एक झगड़े के बाद हेलसिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग, रंग, रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के विटिकन वीटी, सिटी मुख्यालय में हेल्सिंग को ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज रेकुला को मार देंगे या पगट्रेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अं, अंतरा और वैलिंकन रैंकुला द्वारा नियंत्रित एक वे वेयर वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरे नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको ये प्रोडक्ट कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हैल कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मारसिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मारिसिका को मारते हैं उस रात वेलिंग ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेर वेयरवल्फ में बदल बद, बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेल्किन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टीन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेल्किन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों की जीवन देने के लिए फ्रैकस्टिन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैलसिंह ये 2004 की एक्शन गोथिक हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट ये स्टीफन सोमर्स और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमर्स और ये मूवी बेस्ट है ड्रैकुला जो कि ब्रैम स्टोकर फ्रैंकेंस्टाइन की मैरी सेली पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग है हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकन रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड हैम, विल कैम केम केविन जो जे ओ कॉनोर सुलर हैं और इस मूवी को सीनेटोग्राफिक तो किए हैं एलन डेव्यू और इस मूवी को एडिट किए हैं बॉब ड्यूक ड्यूक से कैली मेट और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टरी और इस मूवी के प्रोडक्शन है सोमर्स कंपनी स्टिल स्टिलकिंग फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक सी जेज सीजेज रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड से डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफ इसकाशन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जेबरल वैन हेल्सिंग के रोल में नजर आए और कैट बैंग सेल एज एनी वैलेरियस के रोल में नज़र आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाइल डे के रोल में डेविड वैन एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनली एज अ फ्रेंकस्टें मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनोर एज अगोर इगो, के रोल मेंस अ विल्कन वेलेरियस के रोल में इलेन एज़ अ एलिरा के रोल में एलुन आर्मस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जी के रोल में सिल्विया को एज अ वेरोन के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फीसर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकन के रोल में स्टीफन फीसर एज अ डॉक्टर जीकाइल के रोल में रॉबी कोलट्रेन एज दी वॉइस ऑफ मिस्टर हाइडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हेल मूवी की साउंड ट्रैक एडिट्रेस के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हेलसिंग इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी मूवी का स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूँ और कई बार मैं बताता भी नहीं हूँ तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन एट्टी सेवन में ट्रांस ट्रांसवेलिया वेलनिया डॉक्टर विक्टर फ्रेंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है ड्रैकुला फ्रैकस्टिन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रैंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवन चक्की में भाग जाता है भीड़ पनक पवन चक्की को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रही है एक साल बाद राक्षस शिकारी वैन हेल्सिंग नेट्रोडेम भी पेरिस की यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है हैक है एक झगड़े के बाद हेल्सिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है जिसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के विटिक विटिकन सिटी मुख्यालय में हेलसिंग को ट्रांसि की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया, लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज डैकुला को मार देंगे या पगट्रेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अंतरा और वे लेंकन ड्रैंकुला द्वारा नियंत्रित एक वे वेयर वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरी नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको ये बड़ा कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल सिंह कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मार्सिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मार्सिका को मारते हैं उससे रात वेलिंग ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेरे वेयरवल्फ में बदल बद बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेलकिन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टीन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेल्किन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों की जीवन देने के लिए फ्रैंकस्टीन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस को भी देखते रहें आप हमारे वीडियोस में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल्सिंग मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैलसिंग ये टू की एक्शन गोथिक हॉर फिल्म है जिसे डायरेक्ट ये स्टीफन सोमर्स और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमैर्स और ये मूवी बेस्ड है ड्रैकुला जो कि ब्रैम स्टोकर फ्रेंक आ, आ, की मैरी पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफेन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग हैं हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकनसेल रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड हैम विल कैम केम केविन जो जे ओ कोनर और हैंडल हैं और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफिक तो किए हैं एलन डेव्यू और इस मूवी को एडिट किए बॉब ड्यूक ड्यूक से कैली मेट और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टरी और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी सोमर्स कंपनी स्टिल स्टिलकिंग फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक सी जेज सीजेज रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड सॉरी फ्रेंड्स वन हंड्रेड सिक्सटी डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफ इसकासन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जेबिर वैन हेल्सिंग के रोल में नजर आए और कैट बैंग सेल एज एनी वैलेरियस के रोल में नज़र आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वालोस ड्रैकुला के रोल में डेविड वैनहम एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनसली एज अ फ्रेंकस्टेंट मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनोर एज अग्रो के रोल में विल कैम्प एज अ विल्कन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज अ एलिरा के रोल में एलुन आर्मस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जी के रोल में सिल्विया कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एस अ मार्सिका के रोल में टॉम फिसर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ व विक्टोर के रोल में स्टीफेन फिसर एज अ डॉक्टर जिकायल के रोल में रॉबी कोलट्रेन एज दी वॉइस ऑफ मिस्टर हाईडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हाल मूवी की साउंड ट्रैक एडिटर्स के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हाल इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिलवे सिलवेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी मूवी का स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूँ और कई बार मैं बताता भी नहीं हूं। तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन एट्टी सेवन में ट्रांस ट्रांसवेलिया वेलिनिया डॉक्टर विक्टर फ्रेंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक ईगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है फ्रेंकस्टीन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रेंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवनचक्की में भाग जाता है पनक को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रही है एक साल बाद राक्षस सिकारी वैन हेल्सिंग नेट्रो डेम डी पेरिस का यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है, हैक है एक झगड़े के बाद हेल्सिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है जिसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग, रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के विटिक वीटी, विटिकन सिटी मुख्यालय में हेल्सिंग को ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज रेकुला को मार देंगे या पगट्रेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अं, अंतरा और वैलिंकन रैंकुला द्वारा नियंत्रित एक वे वेयर वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरी नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको ये प्रोडक्ट कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल्सिंग कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मारसिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मारिसिका को मारते हैं उस रात वेलिंग का ड्रेकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेयर वेर वेयरवुल्फ में बदल बद बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेलकिन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टीन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेलकिन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों के जीवन देने के लिए फ्रैकेस्टीन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैलसिंह ये 2004 की एक्शन गोथिक हॉरर फिल्म है इसे डायरेक्ट किए स्टीफन सोमैर्स और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमैर्स और ये मूवी बेस्ड है ड्रैकुल्ला जो कि ब्रैम स्टोकर फ्रैंकेंस्टाइन की मैरी सैली पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफेन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग है हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकेंसेल रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड हैम, विल कैम केम केविन जो जे ओ कॉनोर सुलर हैं और इस मूवी को सिनेटोग्राफिक किए हैं एलन डेव्यू और इस मूवी को एडिट किए बॉब ड्यूक ड्यूक से कैली मैट और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टरी और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सामर्स कंपनी स्टिल स्टिलकिंग फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक रिप, सी, सीजे सी जेज सीजेज रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड सेन हंड्रेड सिक्सटी डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जेबराल वैन हेल्सिंग के रोल में नजर आए और कैट बैंक सेल अ एनी वैलेरियस के रोल में नज़र आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाइल डेसस के रोल में डेविड वैन एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनली एज अ फ्रेंकस्टेंस मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनोर एज अगोर इगो, के रोल में विल कैम्प एज अ विलकन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज अ एलिरा के रोल में एलुन आर्मस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जिनेटी के रोल में सिल्विया को, कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फीसर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज ए विक्टर फ्रेंकन के रोल में स्टीफन फीसर एज अ डॉक्टर जीकाइल के रोल में रॉबी कोलट्रैन एज दॉयस ऑफ मिस्टर हाइडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हेलसिंग मूवी की साउंड ट्रैक एडिटर्स के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हेलसिंग इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज एलन सिल्वेस, सिल्वेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी मूवी का स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूं और कई बार मैं बताता भी नहीं हूं तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन में ट्रांस ट्रांसवेलिया वेलनिया डॉक्टर विक्टर फ्रेंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है। है को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रैंकस्टिन के शरीर के साथ एक पवनचक्की में भाग जाता है भीड़ पनक पवनचक्की को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रही है एक साल बाद राक्षस शिकारी वैन हेल्सिंग नेट्रो डेम डी पेरिस की यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है हैक है एक झगड़े के बाद हेल्सिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है जिसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के विटिक विटिकन सिटी मुख्यालय में हेल्सिंग को ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज डैकुला को मार देंगे या पगट्रेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अंतरा और लेंकन ड्रैकुला द्वारा नियंत्रित एक वेयर वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरी नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको ये बड़ा कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल्सिंग कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मारसिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मार्सिका को मारते हैं उससे रात वेलिंग ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेरे वेयरवोल्फ में बदल बद बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेल्किन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टिन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेल्किन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों की जीवन देने के लिए फ्रैकेस्टिन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कॉमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और आप हमारे वीडियोस को भी देखते रहे आप हमारे वीडियोस में बने रहे हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेलसिंग मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैलसिंग ये टू की एक्शन गोथिक हॉर फिल्म है जिसे डायरेक्ट ये स्टीफेन सोमैर्स और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमैर्स और ये मूवी बेस्ड है ड्रैक्यूला जो कि ब्रैम स्टोकर फ्रेंक आ, आ, की सैली पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग है हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकनसेल रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड हैम विल कैम केम केविन जो जे ओ कोनर और सुलर हैं और इस मूवी को सिनेटोग्राफिक किए हैं एलन डेवियो और इस मूवी को एडिट किए हैं बॉब ड्यूक ड्यूक से कैली मेट और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टरी और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी सामर्स कंपनी स्टिल स्टिलकिंग फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक रिप, सी, सीजेजे रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड फ्रेंड्स वन हंड्रेड सिक्सटी डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बग्स अब इसका लेक्शन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जेबिर वैन हेल्सिंग के रोल में नजर आए और कैट बैंक सेल एज अ एनी वैलेरियस के रोल में नज़र आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाइल डेसोलोस के रोल में डेविड वैन हेम एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनसली एज अ फ्रेंकस्टें मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनोर एज अग्रो के रोल में विल कैम्प एज अ विल्कन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज एलिरा के रोल में एलोन आर्मस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जी के रोल में सिल्विया कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फिसर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकनस्टाइन के रोल में स्टेफेन फिसर एज अ डॉक्टर जिकायल के रोल में रॉबी कोलट्रेन एज दी वॉइस ऑफ मिस्टर हाइडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हाल मूवी की साउंड ट्रैक एडिट्रेस के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हाल इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिल्वेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी मूवी का स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूँ और कई बार मैं बताता भी नहीं हूँ तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चले फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन एट्टी सेवन में ट्रांस ट्रांसवेलिया वेलिनिया डॉक्टर विक्टर फ्रेंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है ड्रैकुल्ला फ्रेंकस्टीन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रेंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवनचक्की में भाग जाता है पीर पनक को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रही है एक साल बाद राक्षस सिकारी वैन हैल्सिंग नेट्रो डेम डी पेरिस का यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है, हैक है एक झगड़े के बाद हेल्सिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है जिसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के विटिक वीटी, विटिकन सिटी मुख्यालय में हेल्सिंग को ट्रांसिलवेनिया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज रेकुला को मार देंगे या पगट्रेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अं, अंतरा और वैलिंकन रैंकुला द्वारा नियंत्रित एक वे वेयर वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरे नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको डक कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गाँव में पहुँचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मार्सिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मारिसिका को मारते हैं उस रात वेलिंग का ड्रेकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेयर वेर वेयर वुल्फ में बदल बद, बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेलकिन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टीन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेलकिन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों के जीवन देने के लिए फ्रैकस्टीन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस को भी देखते रहें आप हमारे वीडियोस में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैलसिंह ये टू की एक्शन गोथिक हॉर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए स्टीफन सोमर्स और इसे लिखे हैं स्टीफेन सोमर्स और ये मूवी बेस्ड है ड्रैकुला जो कि ब्राम स्टोकर फ्रैंकेंस्टाइन की मैरी पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक दुक से और इस मूवी के स्टारिंग है हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकन रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड वेनहैम विल कैम केम केविन जो जे ओ कॉनोर सुलर हैं और इस मूवी का सिनेटोग्राफिक किए हैं एलन डेव्यू और इस मूवी को एडिट किए बॉब ड्यू ड्यूक से कैली मेट और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टरी और इस मूवी के प्रोडक्शन कमिया सोमर्स कंपनी स्टील स्टिलकिंग फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज हुई है और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक सी, सीजे सी जेज सीजेज रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड फ्रेंड्स वन हंड्रेड सिक्सटी डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जेबराल वैन हेल्सिंग के रोल में नजर आए और कैट बैंक सेल एज एनी वैलेरियस के रोल में नज़र आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाइल डे के रोल में डेविड वैन एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनस्लि एज अ फ्रेंकस्टेंस मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनर एज अगो इगोर के रोल में विल कैम्प एज अ विलकन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज अ एलिरा के रोल में एलुन एनस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जिनेटी के रोल में सिल्विया कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फीसर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकनस्टाइन के रोल में स्टीफन फीसर एज अ डॉक्टर जीकाइल के रोल में रॉबी कोलेट्रेन एज द वॉइस ऑफ मिस्टर हाइडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हालसिंग मूवी की साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हालसिंग इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिल्वे सिल्वेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी मूवी का स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूं और कई बार मैं बताता भी नहीं हूं तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन एट्टी में ट्रांस ट्रांसवेलिया वेलनिया डॉक्टर विक्टर फ्रैकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है ड्रैकुला फ्रैकस्टीन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रैंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवन चक्की में भाग जाता है पीड़ पनक पवन चक्की को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रही है एक साल बाद राक्षस सिकारी वैन हेल्सिंग नेट्रो डेम भी पेरिस का यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है है हैक एक झगड़े के बाद हेल्सिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है इसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के विटी सिटी मुख्यालय में हेल्सिंग को ट्रांसिलेविया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज ड्रैकुला को मार देंगे या पगट्रेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अंतरा और लेंकन ड्रैकुला द्वारा नियंत्रित एक वेयर वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरी नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको ये बड़ा कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल्थ कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मारसिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मार्सिका को मारते हैं उससे रात वेलिंग ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेरे वेयरवोल्फ में बदल बद बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेलकिन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टिन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेलकिन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों के जीवन देने के लिए फ्रैकस्टिन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और आप हमारे वीडियोस को भी देखते रहे आप हमारे वीडियोस में बने रहे हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल्सिंग मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैलसिंग ये 2004 की एक्शन गोथिक हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट ये स्टीफन सोमेरस और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमैर्स और ये मूवी बेस्ड है ड्रैक्यूला जो कि ब्रैम स्टोकर फ्रेंटाइन आ, आ, की मैरी पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग है हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकनसेल रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड हैम विल कैम केम केविन जो जे ओ कॉनर सोलर हैं और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफिक किए हैं एलन डेव्यू और इस मूवी को एडिट किए हैं बॉब ड्यूक ड्यूक से कैली मेट और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टरी और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सोमर्स कंपनी स्टील स्टिलकिंग फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक रिप, सी, सीजेजे रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड फ्रेंड्स हंड्रेड सिक्सटी डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस इसका लेक्शन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अल वैन हेल्सिंग के रोल में नजर आए और कैट बैंग सेल एज वैलेरियस के रोल में नजर आए रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाइलोस ड्रैकुला के रोल में डेविड अ कैरल के रोल में सुलरी हेनसली एज अ फ्रेंकस्ट मॉन्स्टर के रोल में केविन ओ कॉनोर एज अगरोगोर के रोल में विल कैम्प एज अ विल्कन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज एलिरा के रोल में एलोन आर्मस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जी के रोल में सिल्विया कोलोका एज अ वेरोनक के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फिसर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकनस्टाइन के रोल में स्टीफन फिसर एज अ डॉक्टर जिकायल के रोल में रॉबी कोलट्रेन एज दी वॉइस ऑफ मिस्टर हाइडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हाल मूवी की साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हाल इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिल्वेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी मूवी के स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूँ और कई बार मैं बताता भी नहीं हूँ तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चले फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन एट्टी सेवन में ट्रांस ट्रांसवेलिया वेलिन वेलनिया डॉक्टर विक्टर फ्रेंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है ड्रैकुल्ला फ्रेंकस्टीन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रेंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवनचक्की में भाग जाता है भीड़ पनक पवनचक्की को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रही है एक साल बाद राक्षस शिकारी वैन हैल्सिंग नेट्रो डेम भी पेरिस का यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है, हैक है एक झगड़े के बाद हेल्सिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है जिसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के विटिक विटिकन सिटी मुख्यालय में हेल्सिंग को ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज रेकुला को मार देंगे या पगट्रेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अं, अंतरा और वैलिंकन रैंकुला द्वारा नियंत्रित एक वेयर वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह विलकिन के साथ एक गहरे नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको ये कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल्सिंग कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मारसिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मारिसिका को मारते हैं उस रात वन ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेर में बदल बद, बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेल्किन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टीन के माहौल में करते हैं वे वे वेल्किन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों के जीवन देने के लिए फ्रैकस्टीन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैलसिंह ये 2004 की एक्शन गोथिक हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए स्टीफेन सोमर्स और इसे लिखे हैं स्टीफेन सोमर्स और ये मूवी बेस्ड है ड्रैकुला जो कि ब्राम स्टोकर फ्रैंकेंस्टाइन की मैरी सेली पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफेन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग है हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकन सेल रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड वेनहैम विल कैम केम केविन जो जे ओ कॉनर सुलर हैं और इस मूवी को सिनेटोग्राफिक किए हैं एलन डेवियो और इस मूवी को एडिट किए बॉब ड्यू ड्यूक से कैली मेट और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टेरी और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी सोमर्स कंपनी स्टील स्टिलकिंग फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक सी, सीजेजे सीजे, रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड फ्रेंड्स डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बर्कस इसकाशन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जेबराल वैन हेल्सिंग के रोल में नजर आए और कैट बैंग सेल एज एनी वैलेरियस के रोल में नजर आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाइलोलोस ड्रैकुला के रोल में डेविड वैन एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनस्लि एज अ फ्रेंकस्टेंस मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनर एज अगो इगोर के रोल में विल कैम्प एज अ विलकन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज अ एलिरा के रोल में एलोन आर्मस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जी के रोल में सिल्विया को, कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फीसर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकनस्टाइन के रोल में स्टीफन फीसर एज अ डॉक्टर जीकाइल के रोल में रॉबी कोलेट्रेन एज द वॉइस ऑफ मिस्टर हाइडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हालसिंग मूवी की साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हालसिंग इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिल्वे सिल्वेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी मूवी के स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूं और कई बार मैं बताता भी नहीं हूं तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन में ट्रांस ट्रांसवेलिया ट्रांस वेलनिया डॉक्टर विक्टर फ्रैंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है ड्रैकुला फ्रैकस्टीन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रैंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवन चक्की में भाग जाता है पीड़ पनक पवन चक्की को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रही है एक साल बाद राक्षस सिकारी वैन हेल्सिंग नेट्रो डेम भी पेरिस का यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है है हैक एक झगड़े के बाद हेल्सिंग पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है इसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेलसिंग जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के टीक, सिटी मुख्यालय में हेल्सिंग को की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया, लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज डैकुला को मार देंगे या यान में अंत काल में अंतरा और लेंकन द्वारा नियंत्रित एक वेयर वै, वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरे नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल सिंह कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मारसिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मार्सिका को मारते हैं उससे रात वेलिंगन ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेरे वेयरवोल्फ में बदल बद बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेलकिन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टीन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेलकिन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों की जीवन देने के लिए फ्रैंकस्टीन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम रेटिंग के, के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इससे वूडो में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैन हेल मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हैल ये 2004 की एक्शन गोथिक हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए स्टीफन सोमर्स और इसे लिखे हैं स्टीफन सोमर्स और ये मूवी बेस्ट है ड्रैकुला जो कि ब्रैम स्टोकर फ्रैंकेंस्टाइन की मैरी सेली पर है और ये मूवी को प्रोड्यूस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन सोमर्स और बॉब ड्यूकेस ड्यूक से और इस मूवी के स्टारिंग है हग जैकमैन ह्यूज जैकमैन कैटी बैकन रिचर्ड रॉक्सबर्ग डेविड वनहैम विल कैम केम केविन जो जे ओ कॉनोर सुलर हैं और इस मूवी को सीनेटोग्राफिक किए हैं एलन डेव्यू और इस मूवी को एडिट किए हैं बॉब ड्यूक ड्यूक से कैली मैटमूटो और इस मूवी को म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्टरी और इस मूवी को प्रोडक्शन कम सोमर्स कंपनी स्टिल स्टिलकिंग फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये सेवन मई टू थाउजेंड फोर को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट और सीजेक सी जेज सीजेज रिपब्लिक की मूवी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट वन हंड्रेड सेवेंटी से वन हंड्रेड सेन हंड्रेड सिक्सटी डॉलर से वन हंड्रेड सेवेंटी मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड पॉइंट टू मिलियन डॉलर रहा जो कि अच्छी है और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें हग हाई ह्यूज जैकमैन एज अ जेबराल वैन हेल्सिंग के रोल में नज़र आए और कैट बैंक सेल एज एनी वैलेरियस के रोल में नज़र आए और रिचर्ड रॉक्सबर्ग एज अ काउंट वाइल डेसस के रोल में डेविड वैन एज अ कैरल के रोल में सुलरी हेनली एज अ फ्रेंकस्टेंस मॉन्स्टर के रोल में केविन जे ओ कॉनोर एज अगोर इगो, के रोल में विल कैम्प एज अ विलकन वेलेरियस के रोल में इलेन एनानिया एज अ एलिरा के रोल में एलुन आर्मस्टॉन्ग एज अ कैडिनल जी के रोल में सिल्विया को, कोलोका एज अ वेरोना के रोल में जोसी माराना एज अ मार्सिका के रोल में टॉम फीसर एज अ टॉप हैट के रोल में सैमुअल वेस्ट एज अ विक्टर फ्रेंकन के रोल में स्टेफन फीसर एज अ डॉक्टर जीकाइल के रोल में रॉबी कोलट्रेन एज दॉइस ऑफ मिस्टर हाइडे के रोल में तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वैन हेलसिंग मूवी की साउंड ट्रैक एडिट्रेस के बारे में तो फ्रेंड्स वैन हेल इस मूवी की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को कंपोज किए हैं एलन सिल्वेस्ट्री तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी मूवी का स्टोरी टोटल नहीं बताना चाहता हूँ और कई बार मैं बताता भी नहीं हूँ तो इस मूवी का भी स्टोरी मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एटीन एट्टी सेवन में ट्रांस ट्रांसवेलिया वेलनिया डॉक्टर विक्टर फ्रेंकस्टीन फ्रेंकस्टीन उनके सहायक इगोर और काउंट ड्रेकुला की सहायता से एक राक्षस बनाता है ड्रेकुला फ्रैंकस्टीन को मार देता है और गुस्से में भीड़ के रूप में कैसल पर धावा बोल देता है राक्षस फ्रैंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवन चक्की में भाग जाता है पीर पवन चक्की को जला देती है प्रतीत होता है कि राक्षस को मार रहे हैं एक साल बाद राक्षस शिकारी वैन हेलसिंग नेट्रो डेम भी पेरिस का यात्रा करता है और मिस्टर हाइडा को मारता है हैक है हैक एक झगड़े के बाद पवित्र व्यवस्था की ओर से बुराई का पीछा करता है इसने मानव जाति को प्राचीन काल में सुरक्षित रखा है हेल्सिंग जिसे चर्चा की सीढ़ियों पर रंग रंग रेंगते हुए पाए जाने से पहले कुछ भी याद नहीं है अपने भूले हुए पापों के लिए क्षमा अर्जित करने और अपने याददाश्त वापस पाने की उम्मीद करता है ऑर्डर के विटिक विटिकन सिटी मुख्यालय में हेलसिंग ट्रांस को ट्रांसिलवेनिया की यात्रा करने रेकुला को नष्ट करने और एक प्राचीन रोमनीय परिवार वैलियास के अंतिम अं, अंतिम अंतरा और वैलिया, लिंकन की रक्षा करने का काम सौंपा सौंपा गया है उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज डैकुला को मार देंगे या पगटेरी में अंत काल बिताएंगे ट्रांसलिवियन में अंतरा और वे लेंकन ड्रैंकुला द्वारा नियंत्रित एक वे वै, वेयर वोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन यह वेलकिन के साथ एक गहरी नींद घाटी में गिर जाता है तो फ्रेंड्स आपको ये बड़ा कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हेल सिंह कार्ल के साथ एक तपस्वी और हथियार आविष्कारक एक गांव में पहुंचते हैं और अन्ना की ड्रैकुला के दुल्हनों वेरुना मार्सिका और अलीरा के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में मार्सिका को मारते हैं उससे रात वेलिंग ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए अनंतरा से मिलने जाता है लेकिन वेरे वेयरवोल्फ में बदल बद बदल जाता है और भाग जाता है हेल्सिंग और अन्ना वेलकिन का पीछा करके पीछा फ्रैंकस्टिन के माहौल में करते हैं वे वेलिंग वे वेलकिन को एक नाली के नाली के रूप में उपयोग करते हैं अपने हजारों मरे हुए बच्चों के जीवन देने के लिए फ्रैकेस्टिन के प्रयोग की नकल करने के लिए ट्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कर बता सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का आई रेटिंग सिक्स है आउट ऑफ टेन और इसे वूडू में फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस को भी देखते रहें आप हमारे वीडियोस में बने रहें